फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत फ्लावर वाला वॉल डेकर बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये कलरफुल क्ले लिया है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्लावर के पेटल रेडी कर रही हूँ। ये मैंने एक बॉटल का कैप लिया है, तो उससे मैंने राउंड शेप में क्ले को कट कर लिया है और नीचे से हल्का सा दबाते हुए इसे मैंने एक पेटल की शेप दे दी है। इस तरीके से इसमें हल्के हल्के टेक्सचर देते जाएंगे और इस तरीके से एक एक पेटल को बनाते जाएंगे। ईयरबड के थ्रू मैं इसे शेप दे रही हूँ और यहाँ पर इसमें टेक्सचर देने के लिए मैंने कार्ड का यूज किया है। अभी एक एक करके सभी पेटल्स को आपस में फेविकॉल की हेल्प से मैंने जोड़ दिया है। बाकी की पेटल्स भी मैंने यहाँ पर बना के रेडी कर ली है, तो उन्हें भी इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे और एक फ्लावर की शेप देंगे। पेटल्स को नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज के कुछ पीसेज इसके नीचे रख दिए हैं। इस क्ले को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच वॉल पुट्टी ली है और 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट ग्लू और थोड़ा सा मैंने इसमें लिक्विड सॉप ऐड किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कलर को हमने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हाथों को मैं ऑयल या वैसलीन लगाकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे पॉलीथीन में लपेटकर मैंने इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया है और जितनी हमें ज़रूरत है उतना क्ले हम निकालते जाएंगे और बाकी को हम बंद करके रखेंगे ताकि वो जल्दी ड्राई ना हो। और यहाँ अभी मैंने इस फ्लावर की लीफ बना ली है। इसी तरीके से मैंने बाकी लीव्स भी रेडी कर ली हैं और ये मैंने बेस के लिए एक कार्डबोर्ड लिया है और इसे मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ। इसकी साइड्स को मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। मास्किंग टेप को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और फिर मैं इसे कवर कर रही हूँ। पूरी प्लेट को मैंने जैसे से कवर कर लिया है। तो अभी हमें इसका बेस रेडी करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने जैसो लिया है। जैसो रेडी करने के लिए मैंने वॉल पुट्टी और फेविकॉल का यूज़ किया है। अगर आप देखना चाहते हैं जैसो कैसे रेडी करना है तो उसका एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक पुराना कार्ड या फिर टूथपिक लेके इसके ऊपर टेक्स्चर दे देंगे। सर्कल अभी अच्छी तरीके से सूख गया है तो इसके ऊपर मैंने ग्रे कलर अप्लाई कर दिया है और ये कलर सूखने के बाद इसमें मैंने हल्का सा स्काई ब्लू का टच दिया है। फ्लावर भी सूख चुके हैं तो इस पर अभी डिटेलिंग का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वायर के कुछ पीस लिए हैं, उनको थोड़ा सा मैंने मोड़ दिया है और एयर ड्राई क्ले से छोटी छोटी सी बॉल बनाकर मैंने इस वायर में लगा दी है और वायर को इसके सेंटर में फिक्स कर दिया है। इसी तरीके से मैंने बाकी के फ्लावर्स भी रेडी कर लिए हैं। तो अब इन फ्लावर्स और लीव्स को इसमें अरेंज कर लेंगे। अभी वाइट ग्लू की हेल्प से मैंने स्टिक कर रही हूँ। क्ले की हेल्प से मैंने इसकी स्टेम्स भी बना ली हैं। अभी लीव्स को भी मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ।
अपनी पसंद से किसी भी शेप में इसे अरेंज करते जाएंगे। लेकिन अगर डिजाइन पहले ही सोच के रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें इसकी लीव्स को फोल्ड करना होता है, शेप देनी होती है। और यहाँ पर मैंने इसमें लिख दिया है ब्यूटीफुल लाइफ, तो आप भी अपनी पसंद से कोई थॉट इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्माइली फेस बना दिया है। क्ले के ऊपर भी मैंने ऑरेंज कलर कर दिया है। और इसमें बीच बीच में मैंने छोटे स्टोन्स स्टिक कर दिए हैं, तो हमारा खूबसूरत सा वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।